दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों अभी दो तीन दिन पहले 17 मई को मैं कुछ रिश्ते भेजा हूँ आप लोगों के पास में। और दोस्तों इस बीच जो समस्या हुई है, इस बार समस्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई है। जो समस्या का जो रेशियो है वो लगभग 30% के आसपास में। पिछले दो दिन से मैं ये एनालाइज कर रहा था पेपर पे, सब जो भी काम धाम हुआ था और जितनी भी कंप्लेंट आई है उन सबको मैं मैच कर रहा था। आखिरकार समस्या क्या हो रही है कि किस वजह से 100 में से 30-25% लोग ये कह रहे हैं कि रवि भाई इस बार आपने क्या रिश्ता भेजा है, बात नहीं बनी, यह कुछ मिसमैच हो रहा है, कभी कोई सीधा ना ही कर रहा है, कभी कोई बोल रहा है कि दूर का रिश्ता है, कभी कोई बोल रहा है कि नहीं हमारे ही जात का चाहिए, कभी कोई क्या बोल रहा है। सो दोस्तों इस बार ये जो प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा यार डिफिकल्ट हुई मेरे साथ में। पहले कभी इस प्रकार की समस्या नहीं हुई, लेकिन इस बार कुछ समस्याएं हैं। और समस्या ये है कि जो रिश्ता मैं अभी आपके पास में भेजा हूँ उसमें जो दोस्तों गड़बड़ी हुई वो ये हुई है कि जैसे ही मैंने आपको एक रिश्ता भेजा, ठीक है, सेम उसी प्रकार के कॉपीराइट करके, मेरा ही सेम टू सेम कॉपी करके उसी नंबर पे, जो नंबर आपको हमने भेजा है सेम उसी नंबर पे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है दूसरे व्यक्ति से या दूसरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वहां पे फोन लगा के कुछ और कहा जा रहा है और नाम मेरा लिया जा रहा है कि रवि कुमार ने ये नंबर ये भेजा है। और वो व्यक्ति कह रहा है, मतलब लड़की पक्ष वाला कह रहा है कि ये रवि कुमार कौन है। तो वो लोग बता रहे कि ऐसा ऐसा वो व्यक्ति है। और इस प्रकार से एक YouTube चैनल के व्यक्ति नहीं, एक YouTube चैनल वाला नहीं, टोटल इस वक्त जो नंबर हमने काउंट किया, जो हमारे पास अभी कंप्लेन आई, शिकायत आई है, जो प्रूफ आया है, वो टोटल दोस्तों तीन चैनल के माध्यम से आया है। तीन चैनल वाले मिलके इस प्रकार का धोखा फ्रॉड मेरे साथ में कर रहे हैं, जो आप तक गलत जानकारी दे रहे हैं, और साथ में जो क्लाइंट है जो रिश्ता करवाना चाहते हैं उनके यहाँ आपके फोन करने से पहले उनको फोन करके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसे ऐसी कोई बात है। और इसके पीछे कारण कैसे, उनको कैसे मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह से आप हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं ना 501 रुपए देके, सेम उसी प्रकार से वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाए हमारे यहाँ। और जब हम आपके पास रिश्ता भेजते हैं तो उनके भी पास में रिश्ता भेज रहे हैं, आप समझे इस चीज को। 501 रुपए मेरी फीस है, अगर 10 आदमी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कितना हो गया, 5000 रुपए। तो उस YouTube चैनल वाले ने बहुत अच्छा गेम खेला कि जाएगा तो मेरा कितना जाएगा, 5000 ही जाएगा, लेकिन इसका नुकसान कितना होगा या इसको बदनाम कितने करेंगे, 50,000 गुना करेंगे। और इस वजह से दोस्तों वो जो मोबाइल नंबर है, वो जो 10 मोबाइल नंबर है जिनको मैं अपना क्लाइंट मान रहा हूँ, अपना मतलब है, मुझे लग रहा है कि उनको समस्या, भाई उनको शादी ब्याह करना चाहिए और मैं उनके पास में रिश्ता भेज रहा हूँ, और फिर उनके पास जो रिश्ता जा रहा है वो उस रिश्ते पे आपके फोन करने से पहले। आप सोचिए, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में ही फोन कीजिए ताकि किसी को कोई समस्या ना। लेकिन वो लोग दोस्तों 12 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, सुबह 4 बजे फोन करें, क्यों? क्योंकि उनका मकसद ही गलत है। और वो ये प्रूफ भी भेज रहे हैं, लड़की पक्ष वाले के पास में ये प्रूफ भेज रहे कि रवि ने ही आपका नंबर दिया है। और वास्तव में नंबर तो मैंने दिया हूं, लेकिन मैं उनको क्या सोच के नंबर दिया हूँ कि उनको समस्या है, भाई उनको शादी करना, उनको ब्याह करना, जिस तरह से आप नॉर्मल होकर बात करते हैं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वो आपसे भी इस हिसाब से, इस लेवल से बात कर रहे हैं कि मतलब कोई आदमी सुन के ना यही सीधा कहेगा भैया पैसे भी मत दो, मैं आपको फ्री में रिश्ता दे रहा हूँ। और शायद यही चीज का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। जो मैंने बहुत सारी वीडियो में कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रिश्ता दिया, उनको लगा कि इस प्रकार के अगर समस्या बताएंगे तो रवि ये जो है ना, ये मतलब छोटे दिल का इंसान, ये पिघल जाएगा, इसके अंदर इंसानियत ज्यादा है, ये इमोशनल ज्यादा है, और इसी चीज का वो लोग फायदा उठाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवा लिए।
और हमारे पास जब जहाँ पे 100 लोगों के लिए यार रिश्ता भेजना है, 200 लोग 250 के लिए रिश्ता भेजना, आप समझे 250 लोगों में से कोई आदमी 10 नंबर को पहचान पाएगा क्या? और जब 10 के 10 नंबर आम आदमी की तरह ये जो बेईमान चोर बेवकूफ लोग या फ्रॉड लोग जो स्कैमर हैं जो मेरा नाम बदनाम करना चाहते हैं और आप लोगों को भड़काना चाहते हैं, ये लोग जब बिल्कुल आपके जैसा सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से पेमेंट भी भेज रहे हैं, और फिर वही लोग, क्योंकि मालूम पड़ा ना दोस्तों उन लोगों ने हमें नंबर भेजा है, और उस नंबर पे जब हमने एक बार अपने नंबर से फोन लगाया तो कोई अलग बात कर रहा है, बोलता मैं यहाँ से हूँ, जो रजिस्ट्रेशन में नाम लिखा वो चीज नहीं बता रहा है, और फिर जब हमने दूसरे नंबर से फोन लगाया तो उस नंबर पे कुछ और बता रहा, जो हमारे ऑफिस के दो हमारी सिस्टर है, जब हमने कहा कि एक बार आप दूसरे नंबर से फोन लगा के बात कीजिए, तो दो दिन जब उनसे बात हुई ना तब उनकी असलियत मालूम पड़ी, कर ये तो वो यूट्यूबर है, ये तो चैनल वाला है, और जब हमने उसकी वीडियो के अंदर जाके जो नंबर और लोग देते हैं जब मिलाया तो देखा ये नंबर उनसे मैच कर रहा है। मैं परेशान था दो दिन से कि इतनी सारी कंप्लेंट कैसे आ सकती यार, मैं अगर 100 नंबर दे रहा हूँ, मान चलो अगर 300 नंबर दे रहा हूँ, 300 नंबर पे रिश्ते भेज रहा हूँ, 300 नंबर पे भेज रहा हूँ, तो मान सकता हूँ कि साला 50 गलत, 50 नंबर पे कुछ मिस्टेक हो, लेकिन 250 नंबर पे 200 नंबर पे ये कंप्लेंट तो आ ही नहीं सकती, जबकि आज तक अभी इस प्रकार की कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन अभी कंप्लेन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आ रही क्योंकि वो लोग आपके फोन करने से पहले उनको फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं, उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, और फिर जब आप फोन कर रहे हैं तो आपके भी साथ में बदतमीजी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, उनको लग रहा है कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, लेकिन जो क्लाइंट अभी उनसे भी हमारी बात हुई, कुछ लोगों ने हमारे यहाँ फोन करके बोला रवि भाई आप हमारा नंबर ऐसे व्यक्ति के क्यों दे रहे हैं, ऐसे परिवार को क्यों दे रहे हैं जिनको इतना भी अकल नहीं समझ कि रात को 11 बजे 12 बजे फोन करके ड्रिंक करके यार सीधा फोन करके वो बोल रहे हैं और अनाप शनाप बात कर रहे हैं, रिश्ते की सीधी सिंपल सी बात नहीं कर रहे हैं। अरे तुम्हारा तो नंबर ने वो रवि ने दिया था रिश्तों की दुनिया वाले ने, ये वो मेरे पास रिकॉर्डिंग आया भाई साहब, कंप्लेन आई है। और इसलिए दोस्तों मैं कुछ दिन का समय ले रहा हूं, मुझे मालूम है कि ये लोग और क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों के पास हो सकता है एक बार वापस से हमारा जो स्टाफ है फोन करेगा, सिर्फ आपकी जो जानकारी है एक बार वेरीफाई करने के लिए, आपकी जो जानकारी है ना वो एक बार सिर्फ वेरिफिकेशन करने के लिए एक बार हमारे जो स्टाफ है वो आने वाले दो एक दिन में, आज कौन सा डेट है, आज जो डेट है दोस्तों कौन सा डेट है यार, 20 मई है, हो सकता है 20-24 मई के आसपास में, 2-4 दिन के आसपास में हमारे यहाँ ऑफिस से खोल जाएगा आपको सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपका नाम एक बार सही से स्पष्ट हो सके। और इस बार मैं वापस फिर से एक बार लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें आपके यहाँ फोन जाएगा, आपसे कन्फर्म होने के बाद ही आपका नाम लिखा जाएगा, और फिर उस नाम पे अगले हफ्ते आपके पास रिश्ता भेजा जाएगा, ताकि इस बार कोई मिस्टेक कोई गड़बड़ी ना हो। और दोस्तों ये जो अभी हमारा 500 रुपये का प्लान है, आप में से जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं भैया आप करवा लीजिए, क्योंकि 31 मई एक लास्ट दिन है, 31 मई जो समय है लास्ट है, 31 मई को आप चाहे मुझे 5000 की जगह 501 रुपये भी देंगे, 501 जगह 5000 एक भी देंगे, तो भी हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन ना हो, और ना ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ना ही आपका पेमेंट लिया जाएगा, ना ही आपको रिश्ता भेजा जाएगा। 31 तारीख के बाद सारी सर्विस हो सकता है हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो 31 तारीख से पहले 31 मई से पहले अगर आपने हमारे यहाँ पे फोन करके रजिस्ट्रेशन लिखवाए हैं तो पेमेंट भी भेज के अपना रजिस्ट्रेशन आप पूरा कर लीजिए, ताकि उसके बाद का जो काम है वो हम कर सकें। हाँ, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको रिश्ता मिलता रहेगा, और जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 31 तारीख से पहले या 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको भी हफ्ते 10 दिन में रिश्ते मिलते रहेंगे, लेकिन 31 तारीख के 31 मई के बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही उनसे पेमेंट लिया जाएगा, ना ही उनकी जानकारी लिखी जाएगी, और ना ही उनको रिश्ता भेजा जाएगा। तो ये ऑफर आपके लिए है, लास्ट टाइम है, लास्ट स्टेज चल रहा है, जो भी आपके पास हफ्ते 10 दिन का समय है उस समय के अनुसार आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए रिश्तों की दुनिया, अगर वहाँ पे बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दिया हूँ, तो जाके देख लीजिए, जब भरोसा विश्वास हो तो आप फोन करके सीधा फोन करके अपना नाम पता लिखाइए, और 501 रुपये जो फीस है मेरी फोन पे गूगल पर पेटीएम जैसा चाहे आप वैसा भेज दीजिएगा, भेजना भी आपको बिल्कुल आसान तरीका, जहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कराते उनके पास जाइए, बोलिए भैया इनका नंबर है 9137814012,
9137884012 नाम है रवि कुमार, वो मोबाइल का रिचार्ज करने वाला आदमी मेरे अकाउंट में पैसा भेज देगा। बस उसका एक स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और व्हाट्सअप पे आप मुझे हाय या कुछ ना कुछ तो लिखकर भेज दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप जरूर मुझे मैसेज कुछ ना कुछ जरूर लिखकर भेजें, चाहे आप मुझे जो पेमेंट करेंगे जो पैसा भेजेंगे उसका प्रूफ या उसका एक स्क्रीनशॉट भेजें, चाहे आप हाय हेलो या कुछ भी कुछ ना कुछ तो मुझे आप व्हाट्सएप पे जरूर लिखकर भेजिए। ये कंपलसरी, क्योंकि जब हम रिश्ता भेजते हैं तो हम व्हाट्सएप पे ही भेजते हैं। मान लीजिए आपने पेमेंट भी दे दिया है, ठीक है, आपने पेमेंट भी हमें दे दिया है और किसी प्रकार की आपने जानकारी व्हाट्सएप पे नहीं साझा की, तो भाई साहब आपका जो नाम है वो डायरी में तो लिखा रहेगा, लिस्ट में रहेगा, लेकिन जब हम व्हाट्सएप पे सर्च करेंगे आपके नाम के आपका नंबर सर्च करेंगे तो आपका नंबर व्हाट्सएप में, क्योंकि आपने तो हमें कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपका नंबर सेव करने के बाद उसके बाद हम आपको रिश्ता भेजें, तो इस चीज को आप समझिए कि व्हाट्सएप पे हमें जरूर कुछ ना कुछ मैसेज लिखकर आप भेज दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस बार जो असुविधा हुई होगी उससे आप परेशान नहीं होंगे, नाराज नहीं। हाँ, एक बात और कहना चाहता था कि कुछ लोग अभी फोन लगाने के बाद कुछ अनाप शनाप कर रहे थे। भाई साहब, नाम है रवि कुमार, रहने वाला यूपी का हूँ, गाँव घर का देहात का रहने वाला हूँ। ये चोरी बेईमानी फ्रॉड करना हमारे ना खून में ना ही हमारे दिमाग में है, ठीक है। आपको लग सकता है, क्यों? क्योंकि आपके साथ में धोखा फ्रॉड हुआ है, तो आपको उसके हिसाब से ये भी व्यक्ति हो सकता है कि लगे अरे भाई साहब गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, माफ करो उस चीज को। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, अगर मेरे से गलती हो गई तो मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ हो सकता है गलती, लेकिन वास्तविकता इसमें भी नहीं है, गलती मेरे से भी नहीं हुआ, गलती कोई और कर रहा है। लेकिन नहीं, अब उसको तो हम कालर पकड़ के खींच के लिया के यहाँ पे नहीं दे सकते ना, कम से कम बता तो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे तरफ से गलती हुई कोई बात नहीं, मैं गलती को अपने एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे मालूम है कि किस प्रकार को अपनी गलती को सुधारना है। तो आप में से जो लोग फोन करके अनाप शनाप कह रहे थे, कुछ लोग पेमेंट का रिटर्न करने की भी बात कर रहे थे, तो मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। आपका पेमेंट आपको चाहिए तो मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक बार अगर हमारे यहाँ से पेमेंट आपके नाम से रिटर्न हो गया तो दोबारा आप, क्योंकि आने वाली जो सर्विसें हैं ये महीना जो खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये महीना 31 तारीख को मैं ये सब पेमेंट लेना बंद कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगले महीने से जून के महीने से हमारे यहाँ पे लोग खुद आके विजिट कर सकते हैं, अपने बहन बेटी का रिश्ता यहाँ पे आके लिखाएंगे, और क्योंकि फोन पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो चाहेगा वो यहाँ पे आके लिखाएगा, और फीस भी जो होगी वो 500 की जगह हो सकता है 5001 हो जाए, 2001 भी हो सकती है। हाँ, तो बात ये है कि एक बार अगर पेमेंट रिटर्न हो गया तो दोस्तों वापिस आपका नंबर कभी भी हमारे सिस्टम में शो नहीं करेगा, ना ही आप किसी दूसरे नंबर से भी हमारे यहाँ पे नाम लिखा सकते हैं ना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आपका डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास आया है, आधार कार्ड आया है तो दूसरी बार आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपसे आधार कार्ड बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जब एक बार आया, आप ऑलरेडी आपका ब्लैक लिस्ट में नंबर, या आपने सर्विस से पेमेंट रिटर्न ले लिया है, तो दोबारा आपका नाम नहीं लिखाएगा। अब दूसरे एक बात दोस्तों, चलो मैं पेमेंट भी आपका रिटर्न कर देता हूँ यार, सब कुछ एक बार इग्नोर भी करता हूँ, तो आप मुझे बताइए आप 500 रुपया लेके कौन सा रिश्ता आप ढूंढ लेंगे, और कौन सा दुनिया में मेरे अलावा कोई ऐसा दूसरा आपको आदमी है जो आपको 500 रुपये में रिश्ता दे दे। आप 5000 भी लेके किसी मैरिज ब्यूरो वाले के दरवाजे पे भी खड़े रहेंगे ना, तो भी आपको रिश्ता नहीं देगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। धोखा देगा, फ्रॉड करेगा, स्कैम करेगा, फोटो भेज देगा लड़कियों को, फोन पे या कॉन्फ्रेंस पे बात करवा देगा, आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेज देगा, लेकिन रिश्ता नहीं देगा, इस बात की मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूँ कि 500 छोड़ो, आप 5000 एक भी लेके खड़े रहो नहीं देगा। लेकिन यहाँ एक बार बोला हूँ कि अगर गलती से 10 नंबर आपको भेजा हूँ, अगर 10 नंबर में से अगर 5 नंबर भी गलत हो गया ना, तो आपको 10 नंबर नहीं गिनूंगा, आपका 5 नंबर से गिनती स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 3 महीने में 10 रिश्ता दूंगा, लेकिन 3 महीने में अगर 10 रिश्ते में से अगर आपको 5 रिश्ते आपकी बात नहीं बनी, सिर्फ 5 रिश्ते भी बात बनी है, तो रिश्ता सिर्फ आपका 5 ही गिनूंगा, 10 नहीं गिनूंगा। और ये बात को आज फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, आज से 4 हफ्ते पहले भी, 3 हफ्ते पहले भी, 2 हफ्ते पहले भी कहा था, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, जाके देख लीजिएगा। कभी कभी आप सोचते होंगे कि आदमी फोन पे बात करता है तो अच्छे से प्यार से बात करता है, लेकिन वीडियो में जब ये बात करता है तो जैसे कुछ पागल है या कुछ परेशान है। भाई साहब, परेशानी ये है यार, क्या आपको हम परेशानी बताएं? नहीं आप समझ सकते इस चीज को, बस
कभी कभी लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी हूँ, सब कुछ छेड़ के, ये सब चीज को छोड़ के अगर नहीं करता तो होता रहता आपका पैसा और वक्त समय बर्बाद, लूटते रहते हैं आप। लेकिन आज जहां आपका पैसा भी बचा रहा हूं, आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूं, आपको सही रास्ता दे रहा हूं, आपको सही डायरेक्शन भी दे रहा हूं, वहां पे भी लगता है कि वहां पे भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि मैं गलत हूं। भाई साहब एक बार आप सोच के देखिए, अगर मैंने यूट्यूब पे आके ये चीज नहीं बताना चालू किया होता, आज भाई साहब लाखों लोग का फायदा हुआ इससे। सिर्फ एक दो दो हजार दो हजार की बात नहीं कर रहा हूं यार, लाखों लोगों का इससे फायदा हुआ, लाखों लोग मैरिज ब्यूरो के फ्रॉड के स्कैम से बचे हुए हैं। आप सोचे इस चीज को अगर नहीं बताता तो हो सकता है कि आप भी उस कैटेगरी में होते, पैसा देते, बात करते, कॉन्फ्रेंस होता, लड़कियों का ये होता वो होता, कहीं जाते घूमने टहलने के लिए जाते, कोई आपको बुलाता यहाँ आके मिल लो, वहां के जाते घूम टहल का, आपको लगता धोखा फ्रॉड होता, लेकिन उसमें आपका वक्त समय पैसा बर्बाद हो जाता, तब आप पुलिस कंप्लेन तक नहीं कर सकते या उनके हाथों पर आप फोन पे बात तक नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ पे जब हम 8 घंटे 10 घंटे आपका कॉल अटेंड करके कंप्लेन लिख रहे हैं, आपको हर हफ्ते रिश्ते भेज रहे हैं, और उसमें से कभी किसी हफ्ते या किसी नंबर पे गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, वो भी हमसे नहीं गई यार, कोई हमारे साथ में फ्रॉड कर रहा है, हमारे नाम को बदनाम कर रहा, हमारे सिस्टम को बदनाम कर रहा है, उनको मालूम है क्या कहां जा सकता है ये, इसका चैनल कहां तक जा सकता है ये चैनल, ये सच इसी प्रकार से सत आता मैरिज ब्यूरो वालों का, तो उनका जो चैनल उनका जो भट्टा है वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा, और इस चीज से वो लोग डर रहे हैं, और इसके लिए मुझे हर प्रकार से वो लोग दबाने की, बदनाम करने, कभी वीडियो में आके गलत कमेंट करते हैं, कभी मुझे फोन पे अनाप शनाप कर महिला से कुछ कहवाते हैं, कभी वो अपने वीडियो में सॉरी वो अपने चैनल के एक वीडियो में भी कुछ अनाप शनाप बातें कहते हैं, अरे 51,000 ले लिया, 11,000 ले लिया, आज तक बताइए आप में से किसी भी व्यक्ति को मैंने 501 रुपए का लाऊं कोई भी डिमांड की, या मेरा कोई भी स्टाफ आपसे कहा कि 501 आपको और पैसा देना होगा, या 101 रुपए वाला जो प्लान था उसके अंतर्गत भी कहा, लेकिन नहीं, कुछ लोग लगे हैं बिल्कुल ईमानदारी से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब आप कर लीजिए, लेकिन उन लोगों की एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा तुम लोग किसी के बताए हुए इशारे पे चल रहे हो, तुम लोग किसी के बताए हुए इशारे पे चल रहे हो, और जिंदगी में एक दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा कि जब इंसान कोई भी इंसान किसी के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है तो वो वहीं तक सफल होता है जहां तक उसको उसका बगल वाला उसको रास्ता दिखा रहा है। लेकिन जो इंसान अपना मंजिल, अपना तरीका, अपना काम धंधा, अपना मंजिल खुद से तय करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये जो चैनल है और ये जो काम है, ये मैं अपने खुद के तरीके से कर रहा हूं, ना ही ये काम मुझे मेरे बाप ने दिया है, ना ही समाज ने दिया, ना ही एजुकेशन, ना ही स्कूल दिया है, ना ही समाज के किसी ने व्यक्ति ने दिया। ये काम समाज के अंदर में एक समस्या थी मैरिज ब्यूरो के लेके, धोखा हो रहा था, फ्रॉड हो रहा था, और इनको सबक सिखाने के लिए ये काम मैंने अपने खुद के मर्जी से चुना है, किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चुना हूं। इस पे चलना किस प्रकार से है और कैसे इनको सबक सिखाना है, कैसे इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना है, एक वीडियो भी मेरा है ईंट का जवाब पत्थर से, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, और इन लोगों को कैसे, वो कहावत है ना, अच्छा पीछे ईंट भी है, कहते हैं ना कि ईंट से ईंट बजा देंगे। तो भाई साहब 31 मई के बाद ये जो चमचे लोग है ना, जो मैरिज ब्यूरो का सर्टिफिकेट टांग के अपने आप को मैरिज ब्यूरो का बड़ा इंडिया का मोस्ट वांटेड बहुत फेवरेट मैरिज ब्यूरो बताते हैं ना, इनका बुरा दिन बहुत जल्दी ना इतना बुरा दिन चालू हो जाएगा कि लोग सोचे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब शेर 4 कदम पीछे चलता है ना, तो बेवकूफ आदमी समझ जाता है कि शेर डर कर भाग गया, लेकिन समझदार आदमी अनुमान लगा लेता है कि इस बार वो जो कम बैक करेगा ना, तो साला बचने की गारंटी 1% भी नहीं है। मैं सीधे तौर पे वार्निंग और धमकी दे रहा हूं कि तुमको जो उखाड़ना है, जो करना है, जितने भी रणनीति अपनाना है अपना लो, लेकिन 31 तारीख के बाद तुम लोग टिक भी नहीं पाओगे यूट्यूब पे, तुम लोग टिक भी नहीं पाओगे यूट्यूब पे। और कैसे तुम इन लोगों के खिलाफ क्या करना है, वो सबका अरेंजमेंट जो है आपका भाई रवि कुमार सबका अरेंजमेंट किया है, आप इसके लिए टेंशन ना लीजिए। हाँ, आप लोग का भी मुझे कुछ ओपिनियन चाहिए, आप लोगों का भी कुछ मुझे सलाह चाहिए, तो उसके लिए मैं 2 दिन डिसाइड कर रहा हूँ, हो सकता है 29 तारीख या 30 तारीख, ठीक है 29 या 30 तारीख को आप में से जो भी लोग फोन करना चाहे बिल्कुल बिंदास फोन कीजिए, सारे लोग का फोन पे बात हो सकता है, मैं ही करूँ। क्यों? क्योंकि समस्या क्या रही, समस्याओं को सुनना है, उस समस्या के ऊपर काम करना है।
क्योंकि हम मर्द जात के लोग हैं, कोई डरपोक लोग नहीं है। ठीक है, आपको समस्या है फोन लगाइए, मुझे लगेगा हाँ ये समस्या है, इस समस्या का क्या समाधान है, हम लोग यार सब मिलके काम करेंगे, क्योंकि जो ये समस्या है कोई मेरी नहीं, कोई आपकी नहीं, सिर्फ ये हर एक लोग की समस्या है। समस्या जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं है, हमारे और आपके जैसे भारत में लाखों लोग करोड़ों लोग हैं यार, जिनको शादी करना, विवाह करना, जीवन साथी चाहिए, जो मर रहे हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं। हम आप नहीं इनके लिए तैयार होंगे, हम आप लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान तो ऊपर बैठ के अपना इंजॉय कर रहे हैं, संसार चल रहा है, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है उनको, जो सरकारी सुविधाएं उससे, लेकिन भाई साहब ये जो प्राइवेट सुविधाएं हैं इनको ऊपर कौन फोकस करेगा? आपके जिंदगी के अंदर झांक के देखने वाला, धोखा हो रहा, फ्रॉड हो रहा, बिना जीवन साथी के आपकी जिंदगी कैसे चल रही, इस चीज के ऊपर फोकस करने वाला कोई भी नहीं है। ना आपके माँ बाप इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना आपके फैमिली फोकस, ना आपके दोस्त यार फोकस कर रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट, ना ही सरकार, कोई भी नहीं फोकस कर रहा। और जिस भगवान को आप पूछते हैं वो भगवान भी आज आपके साथ में नहीं खड़ा। तो इसलिए अब जो लोग आपके साथ में खड़े हो ना, वो चेहरा दिखाने के लिए अलग है लेकिन पीठ पीछे कुछ और करते हैं, शादी के नाम पे आपके साथ में धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। इसलिए दोस्तों करता हूं, कभी किसी के बहकावे में मत आइए, कभी किसी के दिखाए हुए रास्ते पे मत चलिए, अपना दिमाग से खुद सोचिए कि इस संसार में, इस दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे धोखा करना होता, फ्रॉड करना रहता तो मैं क्या इतना बेवकूफ हूं आपका 500 रुपए लेने के बाद भी आपको, आपसे बात करता, आपके लिए नंबर चालू करके रखता, वीडियो में आके बातचीत करता, आपसे फोन पे बात करता? चोर आदमी चोरी करने के बाद पैसा लेके भागता है कि आपको सामने खड़ा होकर बोलेगा भैया मैं रोज तेरे से मिलने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं? चोर लोग है ना, तभी तो अपना नंबर बंद करते, ब्लॉक कर देते पैसा लेने के बाद। ये आदमी सही है तभी तो आपसे फोन पे बात करता है। चार चार लोग यहाँ पे हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वो भी दिन भर काम करते हैं। अरे यार कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो वास्तविकता जेन्युइन होगा, कुछ तो आपने देखा होगा दो चार वीडियो में ना, यहाँ पे आदमी दोपहर में दिन में पसीने में काम कर रहा, मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेरे टेबल पे सारा कॉपी है, पेपर है, ये सब, कुछ तो सच्चाई तो पता होगी। नहीं तो दूसरे के कहने में पड़े हैं, आपको तो कुछ समझ में नहीं आते हैं आगे क्या करना है प्लान। ये जो 31 मई को खत्म हो जाएगा, ये फाइनली मैं आपको वापिस एक बार रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है? वापिस मैं रिश्ता आपको भेजूंगा, लेकिन कब भेजूंगा ये आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो के माध्यम से आपको हफ्ते 10 दिन पहले बता दूंगा भैया इस तारीख को इन लोगों को या आप सभी लोगों के लिए मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, ठीक है? उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।